उसको बिल्कुल अमीक जमाई क्या कह रहा है, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दो दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुलजिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं उनका प्रॉपर इलाज कराया गया, वो उनका इतिहास जो भी रहा हो, जो अपराध हुआ उसकी वो सजा काट रहे थे जेल के अंदर, लेकिन जो अपराधी राज के संरक्षण में जिनका साम्राज्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में सवाल करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। सुनिए अमीक जमाई ने जो कहा उसमें भी आप कॉन्स्पिरेसी एंगल या फाउल प्ले सुन सकते हैं। उससे पहले अमीक जमाई ने एक ट्वीट भी किया है, दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि कयामत करो हो, ये जो बात कही जा रही है ये शेर भी सुन लीजिए। मतलब सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि कत्ल किया गया है। अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध बंदी हत्या मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस बदनाम है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर कई प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि क्या उन्हें अस्पताल में उपचार दिया जा सकता था जैसा अन्य माफिया को बीएचयू में सालों गुजारते मिला था। परिवार ने पहले स्लो पॉइजनिंग का शक जाहिर किया था। बेहतर है कि मृत्यु की जांच उच्च स्तरीय स्तर की आवश्यकता है। पता नहीं उन्होंने क्या किस समय ये ट्वीट लिखा है, या तो बहुत हड़बड़ाहट में लिखा है या पता नहीं, उच्च स्तरीय स्तर की आवश्यकता है जिससे सच सामने आए। बहरहाल उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा है कि ये हत्या लग रही है। सीधे सीधे उनका ये जो शेर दो लाइनों का उन्होंने लिखा है वो कुल मिलाकर ये कहता है, और अभी आपने ये सुनी लिया कि वो उसकी विवेचना किस तरीके से करते हैं। और अभी तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक बांदा जेल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।